जयराम सरकार में पिछले 5 वर्ष में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पिछले 10 वर्षों में शहरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले एक नगर निगम हुआ करता था, लेकिन अब 5 नगर निगम बनाए गए हैं। नगर पंचायत और नगर परिषद भी बनाए गए हैं। 5 वर्षों में भाजपा ने मैनिफेस्टो में किए वादों से भी आगे बढ़कर काम किया है। यह बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अपने विभाग की 5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कही। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी विकास के लिए 2022-23 में 183 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है, जो 2017 में 99 करोड़ के आसपास था। शहरी विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से भी भरपूर मदद मिली है। शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रदेश को केंद्र की बड़ी देन है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के 19 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 2018 तक केवल 4 ही प्रोजेक्ट पूरे हुए थे और 11.54 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए थे, लेकिन 315 करोड़ खर्च कर दिए गए हैं। अमृत मिशन के तहत भी शहरों की दिशा बदल रही है और अब अमृत मिशन 2 से पूरे प्रदेश के शहरी इलाकों में पानी और सीवरेज की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। 252 करोड़ रुपए अमृत मिशन फेज 2 के अंतर्गत हिमाचल को दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो सरकार रही है, जो भी चल रही है और आगे भी चलेगी, उसमें हर क्षेत्र में जो है वो बेहतरीन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो काम हुए हैं। इसी दृष्टि से जो शहरीकरण है वो बढ़ रहा है। 2011 की सेंसस के मुताबिक केवल 10% जो है वो शहरों की आबादी थी, अर्बन आबादी थी, लेकिन अब जो है उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ रही है। इस कारण से शहरों के जो है वो यहां पर रहने वाली जो आबादी है उसकी सेवाओं के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो है वो ज्यादा सशक्त होना जो है वो आवश्यक था। और इसी दृष्टि से अपने विजन डॉक्यूमेंट के वायदों को भी पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश में एकमात्र नगर निगम शिमला हुआ करता था और उसको भी बनाने का जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता दौलत राम चौहान जी जो थे उसमें मंत्री, उनको जाता है। उसके बाद धर्मशाला को जो है वो आनन फानन में नगर निगम बना दिया गया। वो क्यों बनाया गया, उसके पीछे के कारणों को के ऊपर जो है मैं ना जाता हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन डॉक्यूमेंट में वायदा किया था, अब जो है वो उन 2 के स्थान पर 5 नगर निगम हो गए हैं, 3 और नए नगर निगम बनाए हैं। 1 नगर परिषद पंचायत को स्तरोन्नत कर जो है नगर परिषद बनाया गया है सरका घाट, और 7 नए नगर पंचायत जो है वो बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो हिमाचल प्रदेश को 2 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया गया। मतलब ये भी हमारे लिए जो है एक डिस्टिंक्शन की बात है। केंद्रीय सरकार जब से जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसके बाद अमृत मिशन शुरू हुआ, उसमें भी 2 शहर हिमाचल प्रदेश के थे, शिमला और कुल्लू, और स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ हुआ उसमें भी 2 शहर हैं,
शिमला और धर्मशाला। डिटेल्स जो है उसकी मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो है मैं मतलब आपको बता रहा हूं कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 2018 से पहले, जबकि यह 16 में सैंक्शन हो गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो उस समय की सरकार और उस समय की वहां की जो हमारी नगर निगम थी उसमें केवल मात्र जो है 4 प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए, इनिशिएट किए गए। लेकिन 2018 के बाद जो है वो 19 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं हमने। उस वक्त तो केवल 4 ही इनिशिएट होते, बाकी सब जो है वो बाद में इनिशिएट भी हुए और कंप्लीट भी हुए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।